चलो प्लीज अभी भी उद्घाटन चलिए रोल सबसे पहले जी आपसे शुरुआत करते हैं। फिल्म आपकी रिलीज हो रही है सबका बाप अंगूठा छाप, कितनी एक्साइटेड है और फिल्म को लेकर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। एंड मैं एक अरसे बाद थोड़ा वक्त लगा ये फिल्म आने में, बट आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हमारी ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो कि पराग सर के निर्देशन में बनी हुई है, जिसके प्रोड्यूसर हैं मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रदीप सर, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, और बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट, बहुत ही अमेजिंग फिल्म, अलग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे हीरो हैं मिस्टर दिनेश लाल यादव जी निरवा, एंड बहुत ही अच्छा हम लोगों का समय रहा है ये फिल्म करते हुए। बहुत ही मज़े लेके हमने काम किया और पता ही नहीं लगा कि इतने दिन का शेड्यूल कैसे यूं निकल गया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस? यही 13 तारीख को फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप रिलीज़ हो रही है, और मैं चाह रहा हूँ सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि जाके सिनेमा घरों में इस सिनेमा का मज़ा लीजिए, और यकीनन एक अच्छा सिनेमा, अच्छा पारिवारिक सिनेमा आप लोगों के सामने समक्ष आएगा। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि इस फिल्म से पहली बार मैं अक्षरा जी के साथ और दिनेश लाल यादव जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर मैं अपने आप में लकी हूँ, क्योंकि ये दोनों पेयरिंग भी मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद स्क्रीन पे आ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके पहले बहुत अरसा हो गया होगा ये इस पेयरिंग को एक साथ आके, तो बहुत दिनों के बाद ये पेयरिंग भी आ रही है दिनेश जी की और अक्षरा जी की, और मैं लकी हूँ एज ए निर्देशक कि मैं दिनेश जी के साथ और अक्षरा जी के साथ ये फिल्म किया सबका बाप अंगूठा छाप। लेकिन जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं। निशांत उज्ज्वल जी ने इसको रिलीज किया अपनी कंपनी आरबीएफ एंटरटेनमेंट के माध्यम से, और जहाँ तक कल भी रात में मेरी बात हुई, सुबह भी हुई है, जितने भी थिएटर हैं भोजपुरी जहाँ लगती है वहाँ सब जगह लगती है। अक्षरा जी, आपके अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार निभाने वाली है इस फिल्म के अंदर, और क्या क्या तैयारियां की थी आपने किरदार के लिए? किरदार मेरा बहुत ही और फिल्मों से बहुत अलग है, प्रॉपर गाँवटी एक महिला है जिसका मैं किरदार निभा रही हूँ, और जो कि बहुत इनोसेंट भी है और बहुत केयरिंग भी है अपने पति को लेकर, एंड बहुत ही ट्विस्ट है कहानी में, और बहुत मज़ा आया मुझे इस तरीके का किरदार करते हुए। एंड कहीं कहीं कॉमेडी है, कहीं पे फुल इमोशंस है, फुल ड्रामा है, तो बहुत मज़ा आया है। अक्षरा जी, हमने देखा कि आप प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो क्या ये इंटेंशनली डिसीजन है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, या फिर चूजी हो गई है आप प्रोजेक्ट्स को लेकर? आई थिंक कह सकते हैं चूजी या इंटेंशनली ही कर रही हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मुझे बैक टू बैक वो लाइन नहीं लगाना है, मुझे फिल्में करनी है, चूज करके करनी है, जो मुझे किरदार करने का मौका नहीं मिला आज तक वो मैं करना चाहती हूँ, जो अब तक वैसी फिल्में नहीं ऑफर की गई अब मुझे वैसी फिल्में करनी हैं, और मैं बहुत चूज़ कर करके सब्जेक्ट कर रही हूँ, जिनमें से एक ये है। आई एम सो लकी, सर ने बोला ही इज़ लकी, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि इन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि ये फिल्म दिया, एंड मैं छोटी सी हिस्सा बन पाई इस फिल्म की। आई एम हैप्पी एंड उम्मीद करती हूँ दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये किरदार। अक्षरा जी, आपने एक बार फिर से दिनेश जी के साथ काफी समय के बाद काम किया है, निरहुआ कुछ बदले से हैं? निरहुआ वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बदलेंगे क्या, हम लोग सह कलाकार हैं, और उनका बिहेवियर शुरू से, डे फर्स्ट से जो देखा है हम लोगों ने, वैसा ही रहा है बर्ताव सबसे, वैसे ही हम्बल, वैसे ही प्यारे, सबको प्यार देना, सबको सिखाना, कि नहीं सीन के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, वो हम सब डिस्कस करते थे एक साथ, अच्छे से, अच्छे वे में, बहुत पॉजिटिव तरीके से, तो बहुत मज़ा आता था, और अब भी मज़ा आता है उनके साथ काम करने
में भी और मिलने में भी। पाटिल साहब, अक्षरा सिंह के साथ आपने पहली बार काम किया, इन्हें पर्दे पर निर्देशित करना कैसा अनुभव था? बहुत ही सुखद था। ये कहूँगा सच बोलना, सच ही कह रहा हूँ कि बहुत ही सुखद था। और जिस तरीके से मैंने काम किया अक्षरा जी के साथ में, जो टाइम टू टाइम सेट पर आना, उसके बाद में एक निर्देशक के लिए कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारा इनपुट्स लेके आते हैं, तो कभी कभी उस इनपुट्स को हम लोगों को लेना भी होता है, कभी कभी हम नहीं भी लेते। लेकिन जब नहीं लेते तो बहुत सारे आर्टिस्टों को, कलाकारों को शायद से चीज़ों को माइंड कर जाते होंगे कि ये मेरी बात ऐसे डायरेक्टर ने रखी या नहीं रखी। तो अक्षरा जी एक वो आर्टिस्ट में से है कि जो ये बातें बिल्कुल नहीं माइंड करती। एट द एंड ऑफ द डे जब कोई सजेशन आता है, तो जब एक डायरेक्टर कहता है कि अक्षरा जी मुझे लग रहा है कि मैंने ये ऐसे डिज़ाइन किया, तो अक्षरा जी का बस एक ही कहना, अच्छा सर आप क्लियर है ना आपके विजन में, ओके डन चलिए करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है अक्षरा जी में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बतौर निर्देशक मैंने जब इनके साथ काम किया तो मैं खुद काम करना चाहता था, और जैसे कह रही हैं कि अभी फिल्मों की ये लाइन नहीं लगा रही है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर्स इनके पीछे लाइन लगा कर बैठे हुए हैं कि अक्षरा जी हमारी फिल्म में कर दीजिए, और मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ। तो जल्द से जल्द मैं वापस सबका बाप अंगूठा छाप के बाद एक दूसरी फिल्म अक्षरा जी के साथ करना चाहूंगा। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू वर्क विद यू। अक्षरा जी, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने अभी, हमने देखा आप आते ही आपने प्रदीप के शर्मा साहब, जो निर्माता है फिल्म के, पैच हुए, और ज्यादातर इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना कामयाब आर्टिस्ट होने के बाद ज्यादातर लोग इस तरह से मीडिया के सामने नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन वो पर्दा क्यों रखना। मैं बहुत शुरू से बहुत खुला लाइफ जी हूँ। मैं जो घर के अंदर हूँ वो मैं बाहर हूँ, चाहे वो पर्दे के सामने भी हो। तो अपना व्यवहार और अपना जो भी आप लेकर चलते हैं वो आम जीवन में बदलना क्यों। अगर मैं कैमरे के सामने आई तो रिश्ता हमारा थोड़े बदल गया, हम जानते एक दूसरे को वैसे ही हैं, तो हम कैमरे के सामने क्यों बदल जाएंगे कि हम नहीं सर हाय क्यों करूंगी मैं। तो मुझे रियल रहना बहुत पसंद है और मैं ऐसी ही हूँ, तो अच्छा लगता है। परक सर, कुछ गानों के बारे में बताएंगे, किस तरह का गाना है फिल्म में? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल देखिए एक टाइटल है सबका बाप अंगूठा छाप, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बहुत सारे लोगों के पास जिंदगी में डिग्री नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके पास अकल नहीं होती। बहुत सारे लोग जिनके पास, जो बहुत सारे गांव, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते, और उसके वजह से इनके पास पीस ऑफ पेपर, जिसे डिग्री कहते हैं हम लोग, वो नहीं होती। तो उसके बावजूद भी उन लोगों में टेक्निकल दिमाग उन सारे युवाओं में इतना बढ़िया होता है, जिसको उस टेक्निकल दिमाग का एक नाम होता है जिसको लोग कहते हैं जुगाड़। तो वो जुगाड़ को अगर जुगाड़ कहा जाए तो जुगाड़ है, लेकिन उस जुगाड़ का अगर सदुपयोग किया जाए तो सबका बाप अंगूठा छाप है। करेक्ट। अक्षरा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल को लेकर आप अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है, हमने रील्स भी देखे, तो क्या कुछ नॉस्टैल्जिक हुआ और जब आपने टाइटल के बारे में पिताजी को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? और क्या आपके पिताजी ने फिल्म देखी है? ये फिल्म रिलीज होने वाली है। हाँ, मतलब रॉ रशे से। हाँ जी, तो अभी तक उन्होंने देखी नहीं है, बट आई एम श्योर जिस दिन रिलीज होगी हम दोनों ही जाकर देखेंगे, क्योंकि वो हर एक किरदार को मेरे देखना चाहते हैं, और सराहने के लिए नहीं, वो कमियाँ निकालने के लिए देखना चाहते हैं कि आगे कुछ और काम करो तो उसमें क्या बेहतर करो। तो वो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि हमारी फिल्म आ रही है, और प्रदीप सर बहुत ही घरेलू रहे हैं हमारे साथ, तो और भी ज़्यादा उत्सुकता है कि मतलब हमारे, ऐसा लग रहा है कि हमारी घर की फिल्म रिलीज हो रही है। जैसे आप सिंगर बहुत अच्छी हैं, आप ये सब मानते हैं जानते हैं, क्या आपका कोई गाना आपकी आवाज़ में इस फिल्म में होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिंगर हूँ तो मैं अपनी सारी फिल्मों में वो हक जमाऊँ कि मुझे गाना गाना है। नहीं यार, नहीं, मुझे फिल्मों में और भी कमाल की बेहतरीन सिंगर्स हैं। मैं अपने आप को बहुत तुर्रम खान नहीं मानती हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं सीख रही हूँ,
तो मैं जिस दिन उस योग्य अपने आप को समझूंगी मैं डेफिनेटली बोलूंगी प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर को, अभी मैं सीख रही हूँ। तो जितने कमाल कमाल के मेरे से कई गुना ज़्यादा उम्दा सिंगर्स हैं उनके साथ मैं इन्जॉय कर रही हूँ काम करना, उनकी आवाज़ पर परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, तो अच्छा लग रहा है। अक्षरा जी, इसके अलावा जो भोजपुरी में जो ट्रेंड चला आ रहा है कई सालों से कि सिंगर्स जो होते हैं वो एक्टर बन सकते हैं, लेकिन जो एक्टर होते हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता है भोजपुरी में, तो इस ट्रेंड को कैसे देखती है आप एज एन एक्टर? बन तो गए और क्या चाहिए, आप एक्टिंग के बाद सिंगर बने, तो अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। मैं इस बारे में क्या ही बोलूं, बट एक्टर्स आएंगे, यू नो यू नेवर नो, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, समय भी बदल रहा है और हमारी फिल्में, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अब चीज़ें डिजिटल पे अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि वो दिन भी आएगा कि जब अच्छे एक्टर्स, सिर्फ एक्टर्स आएंगे, और आएंगे आई एम श्योर। और इन दिनों जो है रीजनल सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, RRR को अभी नाटू नाटू के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, ऑस्कर में उसके लिए दिल से कंग्रेचुलेशन है तमाम टीम को, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत मेहनत किया है, RRR देखने लायक है, सैल्यूट है। और आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा भी, आप तीनों से जानना चाहूंगा, भोजपुरी सिनेमा भी इस लेवल पर आए और जिस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आप जैसे प्रोड्यूसर, आप जैसे डायरेक्टर्स आते जाएंगे, चीजें बदलती जाएंगी और अच्छी फिल्में बनती जाएंगी। देखिए, मेकिंग वाइज तो सिनेमा बिल्कुल बदला है, पहले से भोजपुरी सिनेमा बहुत बदला है, बहुत सारे मेकर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो कैनवास जिसको कहते हैं वो सचमुच केवल स्क्रिप्ट लेवल पर, लेखनी के लेवल पर फिल्मों का फिल्मांकन ना हो, वो थिएटर लेवल पर अगर हम लोग कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो वैसे हम लोग को स्क्रिप्ट लेवल पर जितना लिखा गया है उससे कहीं ज़्यादा भव्यता में आपको पेश करना पड़ेगा स्क्रीन लेवल पर। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सिनेमाज ऐसे आ रहे हैं, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि माई है दिनेश जी की, मैंने फसल बनाई है दिनेश जी के साथ में, आने वाले समय में एक और फिल्म है हर हर गंगे पवन जी की, उसके बाद संघर्ष 2 जो मैंने बनाई है, तो ये सब बिग कैनवास की मूवीज़ हैं और सचमुच अगर वो बिग कैनवास की मूवीज़ कही जा रही है और वैसी बनी होगी तो यकीनन भोजपुरी सिनेमा बदले। सर, एज ए प्रोड्यूसर आप पे, आपके ऊपर भी ये प्रेशर है कि अच्छा सिनेमा आप देना है ऑडियंस को, ताकि प्रेशर नहीं है वो चैलेंज, मैं प्रेशर चैलेंज मानता नहीं, क्योंकि जब तक आपका पैशन नहीं होगा आप फिल्म बनाने से प्यार नहीं करेंगे अच्छी फिल्म नहीं बना सकते, और उसका वैल्यू करती है चैनल वाले करते हैं, अदर खरीदने वाले भी करते हैं, और दर्शक भी जानते हैं कि इनकी फिल्म, मतलब जो भी अच्छा काम करे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनकी आ रही फिल्म तो ये देखनी है, अच्छी है। और चलो थिएटर में कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, लेकिन वो इंटरनेट पर जब आती है तो बवाल होता है, आप देखते हैं तो वो लोग दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं, और कैनवास तो देखिए बनाना ही पड़ेगा, अब वो जमाना है नहीं, इतना बड़ा RRR और KGF इन सब के चक्कर में हम लोग कहाँ छूट जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी उसमें प्रयास कर रहा हूँ, कैनवास बड़ा करना ही पड़ेगा, और जब हम लोग सब मिल के करेंगे अपने अपने तरीके से तो जो बायर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा सिनेमा अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, रेट्स में भी नहीं आएगी, तो मेरे को लग रहा है कि उस दिशा में हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं दो चार लोग और, तो वो आगे बढ़ेंगे। अक्षरा जी, बहुत सारी फिल्में आप कर चुकी हैं अपने करियर में, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली, एक्साइटेड नर्वस, क्या फीलिंग है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एट द सेम टाइम नर्वस भी हूँ, बिकॉज एक अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर जब हम आते हैं, एक फिल्म जब रिलीज़ होती है, एक कलाकार होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म आपके लिए एक नई चुनौती है, तो दर्शक पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इस किरदार में क्या कुछ नया करना चाहिए या क्या कुछ नया मैंने किया है, वो सब आकलन अपने आप में ही होने लगता है, तो आई एम हैप्पी ऑल्सो, एक्साइटेड ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम नर्वस। आपका नाम जो है बिग बॉस से भी जुड़ा है बहुत सालों से, तो क्या हम देखेंगे कि बिग बॉस में भी इस फिल्म का प्रमोशन करें आप, या फिर ऐसा कोई मौका है कि वहां पे? ये तो प्रोड्यूसर बता सकते हैं, पकड़ लो सीधा उन्हें, तो वो पकड़ लेने वाले, ये तो आपने फंसा दिया मुझे। ये तो प्रोड्यूसर बता सकते हैं। सर, ऐसा कोई प्लान है कि बिग बॉस में जाके प्रमोशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारी रीजनल फिल्मों का प्रमोशन होता है बिग बॉस में, होता है, लेकिन सच बोलो तो मेरी पहुंच
मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ से। बस अरे आपकी एक एक्टर्स की पहुँच है। हाँ तो आप तो आपने कहा प्रोड्यूसर बताएगा। नहीं नहीं जब आपकी बातों का मैं ये कह रहा हूँ सबके दिल में डिसीजन अच्छी जगह जाने की सब प्रयास करते हैं उसमें कहाँ कहाँ सफलता मिलती है वो देखने की बात होती है। अच्छा जी बिग बॉस फॉलो कर रही है आप? बिग बॉस फॉलो करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है लेकिन हाँ शुरुआत के कुछ एपिसोड्स देखे थे मैंने बट अब नहीं। एक कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है? मैं एक ही कंटेस्टेंट को फॉलो एज इन सपोर्ट कर रही हूँ वो है सुम्बुल बिकॉज मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ। वो अंदर क्या कर रही है नहीं कर रही है कैसा खेल रही है नहीं खेल रही है डजंट मैटर। मैं सपोर्ट कर रही हूँ शुरू से बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और सपोर्ट करती रहूँगी। हाँ शर्मा जी आप लोगों ने सारे सवालों के जवाब दिए। एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है आपसे कई बार पूछा है और आप तीनों उस फिल्म से जुड़े हुए हैं। फिल्म का नाम है विधाता जो कि काफी समय से बहुत चर्चित फिल्म है उस फिल्म का क्या अपडेट है? आप तीनों जरा बताइए कि क्यों नहीं फिल्म बन पा रही है। तीनों एज इन मैं नहीं हीरोइन का कोई दोष नहीं होता है सर। कोई दोषी नहीं ठहराया जा रहा है किसी को नहीं किसी को दोषी थोड़ी ठहराया जा रहा है यहाँ पर। जब जो वक्त आएगा उस सिनेमा का बहुत जल्द आने वाला है तब वो सारी चीजें सब क्लियर होंगी। प्रदीप शर्मा जी तीन साल से वक्त क्यों नहीं आ पा रहा है? अरे भाई साहब मैं इस विषय पर बहुत बोल चुका हूँ। डेट्स नहीं मिल पा रहा है। हाँ, 2023 में प्रदीप के शर्मा जी की विधाता बनेगी रिलीज भी होगी और 2023 में ही रिलीज होगी। बस समझ जाइए लगा हुआ है मतलब मैटर यहीं तक अटका है कि कौन सी डेट को करना है बस इतना ही। आप एग्री करते हैं अक्षरा जी इस बात से? भाई अग्री डिसएग्री क्या होता है डेट मिलेगा तो काम करेंगे काम तो करने आए हैं जल्द से जल्द जैसे वही बात है क्या है यहाँ पर हीरो की व्यस्तता के हिसाब से चीजें होती है। ही इज सुपर बिजी। हाँ तो नहीं यहाँ पर मैं ऐड करूंगा हीरो ठीक है हमारी अक्षरा जी को देखिए 5 मिनट भी समय है बिल्कुल समय निकाल के आई हैं और आप कह रहे हैं कि समय है ये बताइए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी मुख्य कलाकार हैं उन दोनों का डेट्स मैच होना चाहिए। ये होगा होगा तभी होगा बट एक अच्छी फिल्म आनी चाहिए विधाता है और ऑडियंस को काफी इंतजार है उसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे क्या मैसेज देना चाहिए जो ऑडियंस आपको देख रही है फिल्म को लेकर? मैं दर्शकों से सिर्फ निवेदन करना चाहती हूँ इस वक्त कि आप सब अपने अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को देखें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये फिल्म कैसी लगी क्योंकि हमने बहुत मेहनत मशक्कत से ये फिल्म बनाई है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट की है बहुत ही अलग स्टोरी है आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 जाकर देखें और अपना प्यार दें। Thank you so much. Thank you.